आज आपके लाए हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस ध्यान दीजिए, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस जिसकी पहचान होती है वाक्य की जिस क्रिया के अंत में गा, गी, गे, और ये पता चले कि कार्य किसमें हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, कार्य भविष्य में होने की आइए देखते हैं संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, ध्यान दीजिए इसमें जो है वर्ब रूल, रूल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में क्या कौन सा आएगा भाई, फर्स्ट पर्सन में आपका आया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई तथा वी, ये फर्स्ट पर्सन है। आई तथा वी इसके साथ लगेगा आपका शैल, और सेकेंड पर्सन यू के साथ विल का प्रयोग, तथा थर्ड पर्सन ही सी इट और दे और प्लूरल सब्जेक्ट, जितने भी आएंगे इन सब के साथ लगेगा क्या, आइए देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताया था कि वह फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, और सेकेंड पर्सन यू के साथ विल का प्रयोग, और तथा थर्ड पर्सन ही शी इट तथा दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं, जैसे वह जाएगी विल गो, शी विल गो। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे है वह नहीं जाएगी तो शी विल नॉट गो, शी विल नॉट गो। इसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में बताया था कि टू टाइप्स के होते हैं, होता है डब्ल्यू एच टाइप, एक होता है एस नो टाइप। तो पहले हम पढ़ेंगे एस नो टाइप, पहला वाला जब क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन शुरू में हो, तो शुरू में हो तो पहले विल शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है क्या वह जाएगी तो विल शी गो, विल शी गो, वह क्यों जाए देते हैं। इसके बाद जब क्वेश्चन दूसरा वाला बीच में हो मतलब डब्ल्यू एच टाइप, तो क्वेश्चन प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे वह क्यों जाएगी, वह क्यों जाएगी तो वाई विल शी। थैंक यू।